जो है मुश्किलात का शिकार है। आपका डॉलर जो है जिसको आपने 190 से 180 से 150 पे लेके आना था उसको आपने 325 रुपए पे ले गए हो। IMF के साथ आपके मुआहदे जो हैं कभी होते हैं कभी नहीं होते, एक दिन आती है हो रहा है, अगले दिन आप उनको आंखें दिखाते हैं, मुआहदा करते हैं फिर तोड़ते हैं। कोई आपकी डायरेक्शन नहीं है, कोई आपकी सम्मत नहीं है, कोई आपके पास पॉलिसी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ने, PDM ने भी और तहरीक इंसाफ ने भी, पाकिस्तान के आवाम की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पे पूरे नहीं उतरे हैं और इन्होंने इस कौम पर जो है बिजली बंद कर गिरे हैं। इस कौम के मसाइल जो हैं वो हल करने में बुरी तरह जो हैं वो नाकाम हुए। तो इसलिए मैं पाकिस्तान के किसानों को, पाकिस्तान के मज़दूरों को, पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात को ये दावत देता हूँ कि भाई ये लोग जो 200 कनाल के घरों में रहते हैं इनको गरीब के दुख की इल्म नहीं है। इनको उस वक्त पता होगा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं एक TV इंटरव्यू में था जिसमें मुस्लिम लीग के, ये मैं उस वक्त बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो उन्होंने मुझे बताया जी हल क्या है। मैंने कहा जी मैं एक तजवीज़ करता हूँ कि ये जो हमारे नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं या प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबर हैं, ये 3 दिन जाएं हर महीने और जो गरीब तरीन बस्तियां हैं जहां पर मच्छर लोगों को काटता है, जहां का पानी पीने से डायरिया होता है, लोग बीमार होते हैं, वो जाएं उनके घरों में रहें ताकि इनको पता चले कि गरीब की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुज़रती है और गरीब जो है किस मुश्किल हालात में अपना गुजारा करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा बेटा इथोपिया गया, उस वक्त वो मेंबर था पार्लियामेंट का, तो मुझे कहने लगा कि मेरे लिए कोई एडवाइस। मैंने कहा मेरे लिए एक ही एडवाइस बेटा मैं आपको करता हूं को, जहां का गरीब तरीन वहां का इलाका है वहां जाकर आप एक रात गुजारें, जो वो पानी पीते हैं वो पिए, जिस मुश्किल में वो रहते रहें, ताकि आपको अंदाज़ा चले कि गरीब आदमी जो है दुनिया में किस मुश्किल से रहता है। तो जब मेरा बेटा आया वापस तो उसका जिस्म सूजा हुआ था और डायरिया हुआ था, ये सारे वहाँ के अखबारों ने भी ये मसला जो है वहाँ पर उठाया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि गरीब का दुख उसे मालूम होता है जो गरीबों में रहता है। ये लोग महल्लात में रहते हैं, बीमार हो जाएँ तो इलाज के लिए ये बरतानिया यूरोप जाते हैं और इनके लालच की कोई इंतहा नहीं है। इनके जो पेट हैं वो कुएं की मानद हैं कि जितना मर्जी इसमें ढाला जाए उनके पेट नहीं भरते हैं, इनका लालच ख़त्म नहीं होता है। तो मैं समझता हूं कि हमें ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि मुतवस्त घराने के जो लोग हैं, वर्किंग क्लासेस के लोग हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि आएं हमें ज्वाइन करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को इज़्ज़त दूँगा, उनको इक्तदार में हिस्सादार बनाऊंगा, पार्टी को जमहूरी पार्टी बनाऊंगा, पार्टी के फैसले मैं डिक्टेटर बनकर नहीं करूंगा, ये मशावरत पे ग्रास रूट्स लेवल पे फैसले होंगे और हर लेवल पे ख्वातीन जो हैं उनको नुमाइंदगी देंगे। एथनिक माइनॉरिटी से जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने 11 अगस्त 1947 में ये वादा किया था कि अब पाकिस्तान बन चुका है, आप अपने मंदिरों में, आप अपने गिरजाघरों में, आप अपनी मस्जिदों में जिस तरीके से भी इबादत करना चाहें करें, ये पाकिस्तान सबका है और आप सब इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क में आपके पास इक्वल राइट्स हैं। तो हमें अपने आप से ये सवाल करना है, क्या हमने माइनॉरिटीज़ को वो हकूक दिए हैं? ज़हूर खान जिंदाबाद, ज़हूर खान जिंदाबाद, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या हमने अपनी माइनॉरिटीज़ को हक दिया है? क्या हमने अपनी ख्वातीन को, उनकी इज्जत को तहफ़ दिया है? आज भी मेरे मुल्क में बड़े दुख के साथ मैं कहता हूं कि सैकड़ों ख्वातीन पे तेज़ाब फेंका जाता है और ये तेज़ाब फेंकने के वाक़यात बांग्लादेश में भी होते थे और जब से बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है वहाँ तेज़ाब फेंकने के वाक़यात ज़ीरो हो गए हैं।
उसकी वजह यह है कि वहाँ पर अदल व इंसाफ लेके आए हैं। जो लोग कल्प्रेट होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, वहाँ पर उनको सज़ा मिलती है। जजा और सज़ा का निज़ाम जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा, उस वक्त तक इस मुल्क में ना हम अपनी बहनों को, बेटियों को जो है डिफेंड कर सकते हैं, ना हम अपने गरीब तबकात जो हैं, पिसे हुए तबकात हैं, उनकी इज़्ज़त जो है उन पे जो है उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे अपील है, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा यूरोप में गुजारा है। अल्लाह ताला ने मुझे बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का शर्फ दिया, और मेरे लिए यह बहुत एजाज़ की बात थी कि मैं उस पार्लियामेंट में बैठता था जिस पार्लियामेंट ने दुनिया में, आधी दुनिया पे उन्होंने, अमेरिका समेत, हिंदुस्तान समेत, आधी दुनिया पर उन्होंने हुकूमत की थी। और उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना जो हल्फ उठाना था तो मैंने कुरान पाक पे हल्फ उठाया था। वो कुरान पाक आज भी बरतानिया की पार्लियामेंट में मौजूद है और इंशाल्लाह ता क़यामत जो है मौजूद रहेगा। मैं दो दफ़ा गवर्नर रहा, जब मैं गवर्नर था तो लोगों को पीने का साफ पानी दिया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर जो हैं वो मेरिट पे लगाए, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की बहुत सी पंजाब की यूनिवर्सिटियां अब दुनिया की टॉप 500 कंपनीज़ में हैं। मैंने 1122 जो है पंजाब में ग्लासगो से उनकी तरबियत, उनके सारे स्ट्रक्चर जो हैं हमने बनाए थे, GSP+, जिसकी वजह से GSP+, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $20 बिलियन हमारे बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ, वो मैं यूरोप से लेके आया था। COVID-19 के दौरान हो, 2010 का फ्लड हो, 2005 का अर्थक्वेक हो, 2022 का फ्लड हो, सर्वर फाउंडेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लाखों लोगों को राशन जो हैं पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो तकसीम किए हैं। और मुझे इस बात पे भी बड़ा फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान में सबसे पहले यूनिवर्सिटियों में कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना जो है लाजमी करार दिया था। ये भी पंजाब में एज ए चांसलर मेरा फैसला था। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम यह है कि मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, चोरी करते हैं। जब मैं 2013 में आया था तो उस वक्त 10-15% कमीशन होता था किकबैक्स, अब 50% पर चली गई है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ, लेकिन हम सब अगर इकट्ठे मिल जाएँ तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम इस दलदल से भी निकाल सकते हैं और पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बना सकते हैं जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। जी, मैं एक और भी अनाउंस करना चाहता हूं कि ग्यास खटक साहब जो PTI सदर हैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के, PTI को छोड़कर मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, मैं उनको बहुत ही ग्यास खटक निज़ामपुर डिस्ट्रिक्ट नौशहरा। उसके अलावा मैं जी लाहौर में हमारे साथ जो शमूलियत हुई थी कौमी वतन जमहूरी पार्टी पंजाब के नायब सदर वली मोहम्मद ख़ान साहब, मैडम आयशा गुलालाई साहबा, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के साबिक मरकज़ी नायब सदर मलिक इज़्ज़त मोहम्मद साहब और मुस्लिम लीग नून के साबिक नाजम हाजी सलेमान साहब, उन्होंने लाहौर में शमूलियत इख्तियार की थी। और आज मैं जनाब औरंगज़ेब साहब को और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो है वेलकम कहता हूं। और मैं आज पेशावर में बैठ के आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर तरीके से पूरी कुव्वत के साथ जो है यहाँ पर इंशाल्लाह हिस्सा जो है इलेक्शन मिलेगी। आप जी सवाल जवाब भाई, आज सवाल जवाब ले लें, सवाल जवाब बेटा, सवाल जवाब सवाल जवाब बेटा सुन। के तौर पर सामने आई और हुकूमत बनाई और तीन वज़ीर आज़म उन्होंने किए,
तो क्या एक बार फिर जहांगीर दलील एक तरफ किंग्स पार्टी की तशकील में लगा हुआ है और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का दोबारा 2002 का किरदार अदा करने के लिए सरगर्म हो चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ कहता हूँ कि हम इस पार्टी में एक मिशन के साथ आए हैं और हमारा मिशन जो है वो पाकिस्तान को गुड गवर्नेंस मुहैया करना है। और मेरा जो मेन गोल है इस पार्टी में आने का वो ये है कि मैं किसी एक सियासी जमात को एक अदारा बनाना चाहता हूँ, जिस तरीके से सियासी जमातें जो हैं यूरोप में फंक्शन करती हैं उस नहज पे मैं यहाँ पर इस पार्टी को जो है वो चलाना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि बरतानिया में ये कभी नहीं होता कि जो पार्टी का लीडर है वो सियासी फ़ायदे का मालिक नहीं होता। अगर वहाँ पर 40 लोगों की एग्जेक्टिव कमेटी है तो 21 लोग मेजॉरिटी के साथ जो फैसला कर दें वो जो है वो लीडर के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो नहीं होता। और मैं आपको अपने 10 साल का निचोड़ जो है वो यहाँ पर बयान करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक इस बात से है कि ये कल्ट पॉलिटिक्स है, ये ब्रूटल डिक्टेटरशिप है पार्टियों में, और पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोगों के साथ मुशावरत नहीं करते, जिसका फिर नतीजा निकलता है कि जज्बात में गलत फैसले होते हैं जिससे पार्टियां भी सफ़र करती हैं और जिससे फिर मुल्क भी सफ़र करता है। ये बताएं कि मौजूदा मुल्की सियासी जो मसाइल है इसका हल क्या है, इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं और कौन उनके करीबी साथी हैं जिन्होंने उनको इस मसाइल में धकेला है? बेटा, जो आपने पूछा है कि कौन से करीबी साथी हैं जिन्होंने इन मसाइल में घसीटा है, तो मेरा ख्याल में वो तो आप सवाल मुझे आप जानने से पहले आप सब जानते हैं कि खान साहब करीबी उनको करते हैं जो उनको मसाइल में धकेलते हैं। जो उनके साथ सच्ची बात करते थे मेरे जैसे लोग, उनके लिए वहाँ जगह नहीं थी। और आज मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मैंने अपनी पूरी तकरीर में आपने देखा होगा कि मैंने खान साहब पे किसी किस्म का भी कोई अटैक या उन पे क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, इसलिए कि जो लोग उनके मशीर थे, जो उनको जो है सारी गलत गाइडेंस करते थे, अब वही उन पे पत्थर बरसा रहे हैं। और मेरा वैसे भी ज़िंदगी में एक असूर रहा है कि मैं मुकाबला करता हूँ, मैं लोगों के सामने डट जाता हूँ जब वो अरूज पे होते हैं। जब उनका जवाल शुरू हो जाता है, लोग उनको छोड़ना शुरू हो जाते हैं, तो मैं अपनी तोपों का रुख फिर उस तरफ नहीं करता, किसी और तरफ करता हूँ। मैनू पक्का पता सी पिशावर जी तुसी ये सवाल पूछोगे। भाई मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, मुझे क्या पता, तो उनको पता होगा कि वो देखे। मैं देखे जी, मैं अर्ज करूं कि एक बात तो बड़ी वाज़े है कि जो चीज़ें मैंने वॉर्न किया था और वॉर्न भी किया था, उसमें तकरीबन सारी सीनियर लीडरशिप मौजूद थी। मैंने कहा था कि जो रास्ता हम अपना रहे हैं वो रास्ता हमें जेलों की तरफ लेके जा रहा है, मुझे नज़र आ रहा है। ये आप अंदाज़ा कर लें कि ये मैंने 2 साल पहले बात कही थी, ये प्रिडिक्ट किया था मैंने कि जो रास्ता हम इख्तियार कर रहे हैं वो हमें जेलों की तरफ लेके जाएगा। तो हमने तो शुरू से ही कहा कि देखें, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ कन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। जब मैं गवर्नर था तो अपने दोस्तों से कहता था कि अब हमें पार्टी को एक ही चीज़ बजा सकती है कि हम पॉलिटिकल शहीद हो जाएं किसी तरीके से, ठीक है जी। तो वो कुदरती उनको हो गए थे, तो उनकी पॉपुलरिटी दोबारा बढ़ गई थी, लोग उनके टिकट लेने के लिए तैयार थे, तो फिर उन्हें ज़रूरत नहीं थी ये मीर जाफर है, ये मीर सादिक है, ये चौकीदार हैं, न्यूट्रल जानवर होता है, भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साल डेढ़ साल है गुजर जाएगा। और फिर उनकी फिर उनको रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, जो भी मशीर थे या उन्होंने खुद फैसला किया, फिर असम्बलियाँ दोनों तोड़ दी। मैं हैरान हूँ कि मरकज़ की जो हुकूमत है वो तो एक मुसीबत है, फांसी का फंदा है कि पैसा कोई नहीं है, वर्ल्ड से पैसा मांग रहे हैं, सारी जो नेशनल कंपनियां हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, डिस्कोज हैं, गैस है, रेलवे है, पीआईए है, स्टील मिल है, वो सब घाटे में जा रही हैं, पैसा कोई नहीं है। सूबों के पास तो फिर भी काफ़ी रिसोर्सेज जो हैं। तो मैं नहीं समझता कि क्या ये अकलमंदी थी कि आप पंजाब की हुकूमत भी ख़त्म कर लें, फिर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी गई, फिर आपकी भी जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी गई,
तो मैं नहीं समझता कि ये फैसले जो थे वो दानिशमंदाना थे, और जो लोग उन्हें उनको इस मुकाम पर पहुंचाया है, आई होप कि ही हैज़ लर्न द लेसन। और ये आपने पूछा है कि ये कौन लोग थे, उसमें अक्सर तो मुल्क से बाहर हैं, शहजाद अकबर साहब मुल्क से बाहर हैं, फरा गोगी साहबा मुल्क से बाहर हैं, तो जूँ ही मुल्क से बाहर चले जाते जाएंगे लोग, मैं आपके नाम बताता जाऊँगा। चौधरी साहब आपने बरतानिया में सियासत की है सारी, और पाकिस्तान में ये तजुर्बा आपका कैसा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी जमातें बनाती और तोड़ती है, ख़त्म करती है, तो ये तजुर्बा आपका कैसा रहा है? तुम मैनू एक ऐसी टेरिटरी ले जाना चाहते हैं जिथे मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि तमाम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को अपने अपने दायरा इख्तियार में रह के काम जो है वो करना चाहिए, और एस्टेब्लिशमेंट को भी ये लेसन है कि भाई जिन लोगों को लाते हैं फिर उनके साथ झगड़ा होता है, फिर प्रॉब्लम पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि लेट द पॉलिटिशियन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, अवाम पाकिस्तान के जिसको चाहें उसको वोट दें, वो इख्तदार में आएँ, वो अपना वक्त पूरा करें, और फिर जो अवाम जब किसी को वोट दे के लाते हैं तो फिर ये उनका फ़ैसला है, अच्छा बुरा जो भी होगा उसके वो खुद ज़िम्मेदार होते हैं। फिर आपने जो है ना बरतानिया के पार्लियामेंट की बात की कि मैं रहा हूँ, तो बरतानिया के पार्लियामेंट नहीं थी जो आप रहे थे, तो वहाँ पे आप पहले तो पाकिस्तानी होते आपके आप पे इतराज हुआ, तो ये आपका और पीटीआई की आपने तारीफ की कि पीटीआई के लोग जो है ना अगर आना चाहिए तो हम उसको वेलकम करें। नहीं, मेरा ख्याल है पहली बात तो मैंने ये अर्ज की है कि जो लोग भी जिनका माजी क्लीन है जिनका, और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने ये बात नोटिस की होगी कि मैं जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आया हूं, मैंने किसी एक जमात को टारगेट नहीं कर रहा हूं। आज भी आप देख लें कि जो ज़्यादा हमारी शमूलियत हुई है ये आल पार्टी मुस्लिम लीग की तमाम जो सूबे की क़्यादत है, शहरों की क़्यादत है, हमारे साथ उन्होंने शामिल हुए, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ जमात इस्लामी के लोग शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ जो है मुस्लिम लीग नून के शामिल हो रहे हैं, हमारे साथ पीटीआई के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो एक तो ये बात है कि मैं किसी एक पार्टी, और दूसरी बात जो मैंने कही है वो बिल्कुल मैं क्लियरली कहता हूँ कि डिवाइडिंग लाइन है हमारी कि अगर जो लोग करप्ट हैं चाहे वो मेरी पार्टी का भी हो, मैं अवाम नाज से ये कहूँगा कि करप्ट लोगों को वोट ना दें, साफ़ सुथरे और ऑनेस्ट लोग जो हैं उनको आप इख्तदार में लेके हैं। तो भाई मैं तो दो कनाल के घर में रहता हूँ और चौधरी शहजाद के पास भी वैसे इतना बड़ा महल नहीं है 200 एकड़ का। थैंक यू वेरी मच।